सुनाने की आदत डालो क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है, और मुस्कुराने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है, और ऊपर उठने की आदत डालो क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है, और उत्साहित रहने की आदत डालो हाथ उत्साहित करने वालों की कमी नहीं है। पर यह भी सत्य है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विषम हो, गलत का विरोध करने की आदत डालो, सत्य का साथ देने वालों की कमी नहीं है। ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, आप उतने ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, और आप जितने ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़िंदगी जीना उतना ही आसान हो जाता है। दुख और तकलीफ तो भगवान के द्वारा बनाई हुई वह प्रयोगशाला है जहाँ आपके काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है, और यह काबिलियत और आत्मविश्वास पैदा होती है आपके अलग सोच से, अलग नज़रिए से। शिव खेड़ा ने भी अपने किताब आपकी जीत में लिखा है कि सफल व्यक्ति अलग कार्य नहीं करते, बल्कि वो हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। इसी तरह से एक असफल व्यक्ति भी कोई कार्य एक अलग ढंग से ही करते हैं। दोनों के सोच में फ़र्क होता है, दोनों के नज़रिए में फ़र्क होता है। जहाँ एक की सोच सकारात्मक होती है तो दूसरे की सोच नकारात्मक होती है। इसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। एक राजा एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गया जिसका कोई इलाज ही नहीं मिल पा रहा था। तब एक पहुंचे हुए वैद्य ने उनको सलाह दिया कि राजा उसी सूरत में ठीक हो सकता है जब उसे हर चीज़ हरा दिखाई दे। तब राजा ने हर चीज़ को हरा रंगना शुरू कर दिया, महल से लेकर कपड़े तक, यहाँ तक कि साग सब्जियाँ भी केवल हरी ही बनती थी। एक साधु उस नगर से होकर के गुजरा, जब चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दिया तो उसका माथा ठनका। उसने लोगों से इसका कारण पूछा और तब राजा के अनोखी बीमारी के बारे में उसको पता चला। तब वह राजा के पास पहुंचा और बोला कि राजन, यह संभव ही नहीं है, आप किस किस चीज़ को हरे रंग में रंगेंगे? इससे तो बेहतर है कि आप एक हरे रंग का चश्मा ही पहन लीजिए, आपको हर चीज़ हरी हरी दिखाई देगी। इलाज बहुत सिंपल था और बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव था। इसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। एक आम के पेड़ की ओर इशारा करते हुए एक गुरु ने अपने दोनों शिष्यों से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो पहले शिष्य ने कहा कि यह आम का पेड़ तो बहुत ही विनम्र है, पत्थर मारने पर भी फल देता है। हमारा स्वभाव भी इस आम के पेड़ की तरह होनी चाहिए। चाहे हमें कितनी ही ज़्यादा मुश्किलों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, लोग भला बुरा कहें, हमें अपनी विनम्रता और त्याग की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। जबकि दूसरे शिष्य का जवाब था कि यह पेड़ तो बहुत ही धूर्त है, दुष्ट है, पत्थर मारने पर ही फल देता है, इसलिए यदि कोई हमारा अधिकार ले ले तो उससे अधिकार छीन लेनी चाहिए। गुरु आगे बढ़े, तब उन्हें कांटों से घिरे हुए एक गुलाब का पौधा दिखाई दिया। उन्होंने अपने दोनों शिष्यों से पुनः पूछा कि अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो पहले शिष्य ने कहा, अद्भुत, प्रकृति का कितना सुंदर रूप है कि इतने कांटों के बीच भी एक फूल खिला दिया। जबकि दूसरे शिष्य का जवाब था कि इस फूल के खूबसूरती का क्या फ़ायदा, इतना खूबसूरत होने के बाद भी यह कांटों से घिरा हुआ है। जवाब दोनों का सही है, पर अंतर है उनके सोच का, नज़रिए का। पहले शिष्य के मन में जहां विनम्रता, मानवीयता, दयालुता जैसे गुणों का प्रादुर्भाव हो रहा है, तो वहीं दूसरे शिष्य के मन में गुस्सा, अहम, नकारात्मक, अधिकार जैसे बीज का अंकुरण हो रहा है। अतः उपर्युक्त दृष्टांत से यह तो स्पष्ट है कि जो सोच है वो दो प्रकार की होती है, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच जीवन में इंद्रधनुष के रंग भरता है, जबकि नकारात्मक सोच मन में नैराश्य के भाव उत्पन्न करता है। लेकिन यह भी सत्य है कि सकारात्मक सोच को दिमाग में लाना पड़ता है, जबकि नकारात्मक सोच मन में अपने आप आ जाता है, जैसे ज़मीन में घास फूस अपने आप उग जाती है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है, तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे मन में इस प्रकार की सोच क्यों आती है। US नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार प्रतिदिन हमारे दिमाग में 50,000 के आसपास विचार आते हैं, जिसमें से 70-80% नकारात्मक होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रतिदिन लगभग 40,000 नकारात्मक सोच और एक वर्ष में लगभग 1,40,00,000 नकारात्मक विचार। यदि हम दूसरों से अपने आप को 20% अधिक पॉजिटिव भी मान लें तो भी प्रतिदिन लगभग 20,000 नकारात्मक सोच तो आएंगे ही। तो यह नकारात्मक सोच क्यों आते हैं? विज्ञान कहता है कि आदिकाल में जब मानव गुफाओं में रहता था तो उसे प्राकृतिक आपदाओं से और जंगली जानवरों से डर लगता था, तो अपने आप को बचाए रखने के लिए
वह इन सब चीज़ों से डरता था और यही डर उसके अंदर एक नकारात्मक सोच पैदा करता है और ये नकारात्मक सोच उसको विषम परिस्थितियों में ना केवल सचेत करती थी बल्कि उसको वो आक्रामक भी बनाती थी, जिससे वह उन परिस्थितियों के साथ बेहतर तरीके से तालमेल करते हुए अपने आप को जिंदा रख सकता था। तो यह उस समय की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। तब हमारे नकारात्मक सोच हमें हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट करता था, परंतु अब स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल गई हैं और आज हम में इस प्रकार के नकारात्मक सोचने के पीछे कोई कारण नहीं है। इस प्रकार का सोच अगर मन में होना ये मानसिक रुग्णता का प्रतीक है और यह मान के चलिए कि जो नकारात्मक सोच है वो हमेशा एक प्रकार से निराशा उत्पन्न करती है और सकारात्मक सोच जीवन के प्रति एक सही दिशा लेके आती है और एक आशा की किरण हमेशा पैदा करती है, क्योंकि नकारात्मक सोच हमेशा मन में तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन पैदा करता है, बेचैनी, चिंता, मोटापा, ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग जैसे बीमारियां उत्पन्न करता है, सोचने समझने की क्षमता छीण हो जाती है और जो व्यक्ति है वो विध्वंसक हो जाता है। और यदि व्यक्ति सकारात्मक हो तो जीवन में मानवीयता के इंद्रधनुष के रंग हमको दिखाई देते हैं, चारों तरफ खुशियाँ, संतोष, समृद्धि दिखाई देती है और जो देश समाज के अलावा जो व्यक्ति है वो भी उन्नति के मार्ग की ओर प्रशस्त होता है और व्यक्ति रचनात्मक भी हो जाता है। तो यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के चश्मे पहनना चाहते हैं, नेगेटिव वाले चश्मे या पॉजिटिव वाले चश्मे। जिस तरह से यदि हम काले रंग के चश्मे पहने तो हमें हर चीज़ काली दिखाई देती है, इसी तरह से अगर हरे रंग के चश्मे पहने तो सब तरफ हमें हरा ही हरा दिखाई देगा। उसी तरह से यदि हम नेगेटिव चश्मे पहने तो हमें चारों तरफ निराशा, हताशा और असंतोष ही दिखाई देगा और जो मन है उतना ही ज़्यादा विध्वंसक होगा। और यदि हम सकारात्मक सोच के चश्मे पहने तो चारों तरफ सुख, समृद्धि और संतोष ही दिखाई देगा और व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा रचनात्मक हो और विषम परिस्थितियों में भी उसे उम्मीद की किरण दिखाई देगी। तो यदि हमारा सोच नेगेटिव है तो तुरंत उसको पॉजिटिव कर लेना है, क्योंकि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे और नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे।